गाइज इस क्वेश्चन को देखो, सब कुछ तो इसके अंदर दिया हुआ है, बस आपको सॉल्व करना। आपसे कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का मतलब यह है कि पार्टिकल कुछ इस तरह से घूम रहा है, ओ सेंटर है सर्कल का और पी और क्यू जो है इस सर्कल पर दो पॉइंट है दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये ओ वाई जो है ये वाई एक्सिस है और ओ एक्स जो है ये एक्स एक्सिस है। हमसे कह रहा है इफ़ एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर का सिंबल है देखो इसके ऊपर, एक्स यूनिट वेक्टर एंड वाई यूनिट वेक्टर आर यूनिट एक्सेलरेशन वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आपसे कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट हाफ वे बिटवीन पी एंड क्यू, हाफ वे बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के बीच में हाफ वे आया ये, हाफ वे पूरा 90 डिग्री था तो हाफ वे वाला हो जाएगा एंगल 45 डिग्री। अब देखिएगा आर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ को होगा, सर्कुलर मोशन के अंदर यही होता है कि एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ को लगता है। अगर ये ए एक्सेलरेशन है तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है ये वाला कंपोनेंट ए वाई और एक ये हो सकता है ए एक्स। डायग्राम में दिखाया हुआ है ये सब कुछ ए एक्स और ए वाई जैसा डायग्राम के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन कंपोनेंट्स की वैल्यू बताओ, हमसे कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट हाफ वे बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के, ठीक है। अगर आपको ये आ जाए तो ये आप खुद बना सकते हैं, बड़ा ईजी है। देखो किस तरीके से, सबसे पहला आप जो है वो मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन और लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कितना है, वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आया वो आया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ ए वाई, ए वाई निकालूंगा तो जो ए वाई है ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, ए वाई जो है ना। अब यहाँ पर थोड़े से सिंबल से गड़बड़ाए हुए हैं भाई, गड़बड़ाए हुए वो कुछ इस तरीके से है क्योंकि इस तरफ को जो डायरेक्शन आती है वो आती है ए एक्स की और ये जो डायरेक्शन आती है ये आती है ए वाई की। तो आप ये वाली बात कुछ इस तरह से कह देंगे, कॉम्पोनेंट एक्सेलरेशन कॉम्पोनेंट एलोंग along y axis, तो y axis के along, तो y axis के along, तो फिर ये हुआ। अब ये कैसे निकालोगे, इसको आप कहोगे ए वाई, ये कॉम्पोनेंट कैसे निकालोगे। अब आपको पता है ये है a, ये है a, तो ये कहलाएगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट a साइन 45 डिग्री और एंगल आपको पता है ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो a ये है तो ये ए वाई हो जाएगा ए साइन 45 और ए एक्स हो जाएगा अगेन ए कोस 45। देख लो बहुत अच्छे, देख लो बड़ी बच्चों वाली चीज़ है ये। तो ए वाई हो जाएगा, जल्दी से बताओ ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन 45, यही है ना, ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन 45, बिल्कुल सही। ए की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट टू, तो आपके पास ए वाई आ चुका है 1 अपॉन रूट टू, इसका मैग्नीट्यूड है सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँगा तो मैं कहूँगा ए वाई यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा। अब देखो ए वाई की डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ को है तो निगेटिव एक्सिस में है वाई एक्सिस, वो भी निगेटिव में, और आपको पता है जे जो इस्तेमाल होता है जे वो होता है वाई एक्सिस के लिए, लेकिन माइनस जे यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर वो होता है निगेटिव वाई एक्सिस के लिए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू माइनस के साथ जे वेक्टर, सही है। सिमिलरली आप जब ए एक्स निकालोगे तो ए एक्स जो होगा देखो ए कोस 45 और ए कोस 45, कोस 45 की वैल्यू अगेन 1 अपॉन रूट टू होती है, तो ये हो जाएगा अगेन, ये हो जाएगा ए कोस, अब ए की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू, ये भी 1 अपॉन रूट टू हो जाएगा ए एक्स सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब आप इसका वेक्टर निकालोगे ए एक्स यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, एक तरह से डायरेक्शनल वेक्टर, तो ये देखो इसके डायरेक्शन में निगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट टू और आई कैप।
ये हो जाएगा आई कैप। इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, हेयर जो ए है वो ए जो है वो कुछ इस तरीके है, इस तरीके से है, ए वेक्टर इज इक्वल टू है ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। ए एक्स वैक्टर की वैल्यू पुट करोगे तो ए एक्स यूनिट वैक्टर, या फिर यूनिट के टर्म में लिखना चाह रहोगे इसको यूनिट के टर्म में लिख दो, सबको यूनिट के टर्म में लिखो, तो यूनिट के टर्म में आ जाएगा ए यूनिट वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स यूनिट वैक्टर प्लस ए वाई यूनिट वैक्टर। लिख दो कुछ एक्स्ट्रा काम करके दिखा दो, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन अपॉन रूट टू आई, ए वाई की कितनी है माइनस वन अपॉन रूट टू जे, तो ये माइनस वन अपॉन रूट टू कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आई वैक्टर प्लस जे वैक्टर। इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं, अगर कुछ टफ लगा हो तो मुझे बता सकते हैं, टफ बिल्कुल नहीं है, ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है। बुक के अंदर आई जे की जगह एक्स यूनिट वैक्टर दे रखा है, वाई यूनिट वैक्टर दे रखा, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आई जे के ज़्यादा अच्छा है। तो एग्जाम्पल 97 ये भी फिनिश हो चुका है, मतलब सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन खत्म, प्रोजेक्टाइल मोशन के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन फिनिश हैं, मतलब मोशन इन ए प्लेन पूरा न्यूमेरिकली खत्म हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थोड़े बहुत बचे हुए न्यूमेरिकल वो भी करा देंगे, लेकिन इतना हो गया है कि अब आप मार नहीं खाओगे मोशन इन ए प्लेन एसएल अरोड़ा के अंदर। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि भाई आपसे किसी तरह की कोई फीस पे नहीं की जा रही है, तो आप अपनी तरफ से सुपर थैंक्स या फिर फोन पे गूगल पे पर कुछ पेमेंट कर दिया करें, क्योंकि इनिशियल स्टेट में है, कोई ज़्यादा खास अर्निंग नहीं है, तो मोटिवेशन मिलती रहेगी हमें अगर आप ऐसा कर देंगे हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें।